नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देने का एक दिन है। मेरी आपकी विनती है कि भारत की इस खूबसूरत भाषा के समझते और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। आज की इस शुभ दिवस की अवसर पर आप सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। जैसे हाल ही में हमने शिक्षक दिवस मनाया था, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे। और आज से ठीक 2 महीने बाद इसी दिन यानी आज ही के दिन 14 नवंबर को हम बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। इसी तरह से भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है और हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी हिंदी भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक मलयाली होने के बावजूद भी हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंदी बोलने वाला जरूर मिलेगा। और आपके मन की स्थिति को व्यक्त करने के लिए इससे खूबसूरत जरिया और कुछ नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हिंदी पढ़ें, हिंदी को समझें, हिंदी से प्यार करें, जिससे कि आप इस भाषा में निपुण बन जाए। बच्चों, जो स्थान नारी के माथे पर बिंदी का है, वही स्थान भाषाओं में हिंदी का है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, इस भाषा को समझें, बोलें, कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाए, भाषा में सुधार आ जाए। आप सबको इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस है। आज की इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरा तहे दिल शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज का दिन का शुभकामना, आज हिंदी का दिवस है। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा है थोड़ा प्रैक्टिकल में, अगर हिंदी के बारे में बात करेगा तो अगर आपको हिंदी बात करने के लिए मालूम है या समझने के लिए मालूम है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएगा, आपके पढ़ाई के बाद सोचो सालों के बाद आप केरला छोड़कर दूसरा देश पर जा रहा है, नॉर्थ इंडिया या इंडिया के बाहर, तो हिंदी का इम्पोर्टेंस इतना होता है, बहुत सारे लोगों को आप मिलता है। अगर आप एक कम्युनिकेशन पोजीशन में वर्क करता है या काम करता है, आपको बहुत सारे बात लोगों से बात करने के लिए हिंदी एकदम यूज़फुल लैंग्वेज होता है। लाइक आप इंडिया में अगर काम करता है तो नॉर्थ इंडिया में, अगर आप एक मलयाली है और आप हिंदी में भी बात करता है, उन लोगों को इतना फ्रेंडली होता है क्योंकि आप उन लोगों की भाषा बात करता है। मेरा लाइफ में जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलेगा तो, जब भी मैं
अन्य लोगों का भाषा बात करता है जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता है स्कूल्स पर नॉर्थ इंडिया में जाता है, जब वो स्टूडेंट्स बच्चे लोग मेरे हिंदी सुनता है उन लोगों को इतना खुश होता है कि वो सोचेगा ये आदमी ये ट्रेनर इज वन अमंग अस। तो हिंदी आपको फॉर्मली पढ़ाने के बाद कुछ ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली कम्युनिकेट कर कर सीखता है। जो कोई भी आपका साथ टीचर या फ्रेंड्स हिंदी में बात कर देगा तो उन लोगों के साथ छोटी छोटी बातें कर दो तो आपको भी ये लैंग्वेज अच्छी तरह होगा। और हमारे लिए भी एक पर्सनल सेल्फ एस्टीम है जो हमको हमारा राष्ट्रभाषा बात करने के लिए मालूम है। मैं भी उतना एक्सपर्ट नहीं है फिर भी एकदम मैं कम्युनिकेट करता है हिंदी में। सब स्टूडेंट्स को ये दिन का एक विशेष थैंक यू। नमस्ते, आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। कुछ साल पहले जब मैं अपना करियर एक शिक्षक के रूप में शुरू किया तो नई दिल्ली में काम करने का अवसर मिला। भारत की राजधानी में हर कोई हिंदी में बात करती थी, नमस्ते कहना तो आम बात थी। केरल से होने के नाते मैं नमस्कारम कहकर लोगों को अभिवादन करती थी। जवाब में लोग हंसकर मुझे पूछती थी, मैडम क्या आप मद्रासी हैं? ये सुनकर मुझे एक सबक मिला, भले ही हम सभी एक भाषा से जुड़े हैं, प्रत्येक भाषा को अपना विवरण है जिसे हमें सावधानी से समझना जरूरी है। न केवल शब्दों को एक नई भाषा में अनुवाद करना महत्वपूर्ण होता है, ये भी सीखना होगा कि संस्कृति के बारे में विस्तार से कैसे सोचना और समझना है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानाचार्य जी, सिस्टर नमामिनी, प्रिय अध्यापक अध्यापिकाओं और छात्रों, मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर, इस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, आज मैं आपको हिंदी सीखने का आसान तरीका बताती हूँ। चीनी भाषा और अंग्रेजी के बाद हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। 50 लाख से भी अधिक लोग द्वारा देश विदेश में बोली जाने के कारण हिंदी भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण भाषा बनने जा रही है। भारत से जाने के लिए हिंदी जानना आवश्यक है। हिंदी सीखने से रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। टेलीविजन और रेडियो की सहायता से भी हिंदी भाषा सरलता पूर्वक सीख सकते हैं। अन्य भाषा भी हिंदी की सहायता सीखी जा सकती है। आज सभी को हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और छात्रों, आज 14 सितंबर इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस को हिंदी पखवाड़ा भी कहा जाता है। बच्चों, मैं हिंदी दिवस के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगी। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में शिक्षा का दूसरा नाम अंग्रेजी हो गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा और बेटी किसी उच्च अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े, भले ही
उनके बच्चे को हिंदी नहीं आती हो, लेकिन उस बच्चे को अंग्रेजी सिखाना ज्यादा जरूरी है। हम यह नहीं कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी राष्ट्रभाषा को बोलना छोड़ दें। लेकिन हमें अपनी राष्ट्रभाषा को जरूर सीखना और प्यार करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातें यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद एवं शुभ दिन। बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। 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 नमस्ते बच्चों, आज हिंदी दिवस है, इसलिए आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ कविराज श्री हरिवंशराय बच्चन जी की एक बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रद सचा है, कली कुसुम से पद सचा है, बादलों से अनुचरों ने सुन की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहक बंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन, छोड़ कर मैदान बागी, तारकों की बोझ सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता हूँ चल विजह के, भर भी टिकता देख करिया, रात का राजा कड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते बच्चों, आज हिंदी दिवस है, इसलिए आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आज हिंदी दिवस है, इसलिए आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बच्चों, आज हिंदी दिवस है, आप सबको इस दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते बच्चों, आज हिंदी दिवस है, इसलिए सबको इस दिन के शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिष्यगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कोई एक नई भाषा सीखना हमारे मन और बुद्धि के लिए एक चुनौती है। मैं हिंदी भाषा सीखना अधिक पसंद करता हूँ। इसका पहला कारण है मैं एक भारतीय हूँ। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। सरकारी नौकरी मिलने की भी अधिक उम्मीदें हैं। दूसरा कारण यह कि यह दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस तरह मैं दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क कर सकता हूँ। आखिर में एक नई भाषा सीखना सराहनीय है। नमस्कार। हिंदी दिवस हर साल सितंबर 14 को मनाया जाता है। इस साल भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हर भारतीयों को हिंदी की अथवा हमारी राजभाषा की प्रति सम्मान एवं आदर रखने का संदेश देने का है।
आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस का शुभकामना है। धन्यवाद। मैं महरे, आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर 14 हमारा हिंदी दिवस है, इसलिए मैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ शब्द बोलूं। जो भाषा पूरे देश की भाषा बने और जिससे राष्ट्र का सारा काम काज हो सके, उस भाषा को राज्यभाषा कह सकते हैं। हमारी राज्यभाषा हिंदी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में अधिक व्यापक है और सबके द्वारा समझी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राज्यभाषा के रूप में चुना गया है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आपको हिंदी आती हो तो आपको वहां रहने और काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता में जोड़ता है। हमारी राज्यभाषा हिंदी को संपत्र बनाने के लिए इसका व्याकरण संबंधी नियमों को सुगम बनाना चाहिए, भाषा के प्रचार में अधिक जोर देना चाहिए। राज्यभाषा ऐसी होनी चाहिए जो पूरे भारतवासियों के लिए बोलने समझने में सुगम और सरल हो। इसके अतिरिक्त भारत के अधिक प्रांतों में यह भाषा बोली भी जाती है, इसलिए राज्यभाषा बनने में सिर्फ हिंदी ही योग्य। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों ने संत कबीर के बारे में सुना है। मैं आज यहाँ संत कबीर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कविता मानव हृदय की आनंदमयी कल्पना है। पत्रकाल को स्वर्ण युग का गौरव दिलाने वाला कवियों में कबीरदास का नाम अग्रगण्य है। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, मासिका गति छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। कबीर का ज्ञान प्रेम समन्वित साधना का मार्ग। यद्यपि कबीर ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उनकी वाणी के तीन भाग थे, साखी, सबद और रमायण। कबीर की वाणी संत की वाणी है। कबीरदास समाज सुधारक भक्त कवि थे। कबीरदास अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे। आना तो घर में फिरे, जी फिरे मन नाही, मनवा तो जहां तिसे फिरे, ये तो सुमेरे नाही।
मन का आभा